EMF induced in a moving conductor in a uniform magnetic field. एक एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपेरिमेंट ये किया, आप एक कंडक्टिंग रॉड ले आए, इंपॉर्टेंट है समझने के लिए, इसलिए नहीं कि पेपर में आएगा, कॉन्सेप्ट समझना है. एक कंडक्टिंग रॉड है और मैग्नेटिक फील्ड बोर्ड के अंदर है, देख रहे हो क्रॉस बोर्ड के अंदर है. आपने एक रॉड ली कंडक्टिंग और इसके परपेंडिकुलर इस रॉड को मैग्नेटिक फील्ड में खींचना शुरू कर दिया. देख रहे हो ये रॉड कहाँ जा रही है, इस तरफ आ रही है. राइट, क्लियर है यहाँ तक? तो आपका कुछ एक्सपेरिमेंट ऐसा बनेगा कि अगर आपके पास एक रॉड है, एक कंडक्टिंग रॉड है जैसे मैंने इसमें बनाया, और मैग्नेटिक फील्ड कैसे है, परपेंडिकुलर है, ऐसे है. तो एक परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में आपने वी वेलोसिटी से इसको खींचना शुरू कर दिया और ये कंडक्टर है. बस ये एक्सपेरिमेंट है. अब वो ये क्या है, घर में जाऊंगा रॉड जितने मर्जी डंडों को घुमा लूंगा, फर्क क्या पड़ता है? फर्क पड़ा. देखो कंडक्टिंग रॉड से क्या हुआ, इसके अंदर पड़े हुए थे फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत सारे. उनमें से एक फ्री इलेक्ट्रॉन को जरा ध्यान से देखना, उसके साथ हुआ क्या. फ्री इलेक्ट्रॉन आराम से बैठा रैंडम मोशन में, वो कहता है मैं आराम कर रहा हूं, सो रहा हूं, कोई टेंशन नहीं, मैं कोई करंट नहीं पैदा कर सकता क्योंकि कोई बैटरी तो कनेक्टेड ही नहीं है. आपने रॉड को राइट मूव करवाया, जो इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है वो भी रॉड के अंदर से उड़ के तो आने से रहा, वो भी राइट मूव करना शुरू हो गया. तो इलेक्ट्रॉन कहां मूव कर रहा है, टुवर्ड्स राइट. पिछला चैप्टर याद कर लो, अ चार्ज पार्टिकल इज मूविंग इन मैग्नेटिक फील्ड विल एक्सपीरियंस अ फोर्स. कितनी फोर्स, बी क्यू वी साइन 90. तो यहां पर मैग्नेटिक फोर्स लग गई, कितनी, बी क्यू वी साइन 90. और इसकी डायरेक्शन निकालने के लिए फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल. तो बी कैसे, बोर्ड के अंदर. इलेक्ट्रॉन कहां जा रहा है, राइट. पर सेंट्रल फिंगर रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज. तो तुम ऐसे सेंट्रल फिंगर राइट ले नहीं सकते, तुम्हें क्या लेना पड़ेगा, लेफ्ट. क्योंकि अगर सेंट्रल फिंगर तो हमेशा डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज है, अगर आपका इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है तो इमेजिन करो पॉजिटिव इधर होगा, तो ये फोर्स कहां एक्सपीरियंस करेगा, नीचे. तो लो इसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स लगनी स्टार्ट हो गई, कहां पे, नीचे. ठीक है, सही हो गया, इलेक्ट्रॉन नीचे आने शुरू हो गए. जैसे जैसे रॉड मूव करते जा रहे हो, इलेक्ट्रॉन नीचे 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 आता जा रहा है. अब नीचे में क्या हुआ, यहां पर डेवलप हो गई डेफिशिएंसी, कमी हो गई इलेक्ट्रॉन्स की, और यहां इकट्ठे होते जा रहे हैं, इकट्ठे. तो मूव करवाते जा रहे हो, फोर्स एक्सपीरियंस करता जा रहा है इलेक्ट्रॉन, एक नहीं कई हजार इलेक्ट्रॉन वो नीचे इकट्ठे होते जा रहे हैं, कुछ ये सिचुएशन हो गई. तो क्या डेवलप हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो गया, देख रहे हो. तो फेराडे ने ठीक कहा था ना कि इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप हो गई, इंड्यूस्ड ईएमएफ ही तो पोटेंशियल डिफरेंस होती है, पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो गया. कहानी यहां खत्म नहीं हुई, अभी हो जाता है तो हम कहते ठीक है समझ में आ गया. फेराडे ने सोचा अच्छा पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप, और मूव करवा के देखता हूं. जब उसने और मूव करवाया और इलेक्ट्रॉन इकट्ठे हो गए, और मूव करवाया और इलेक्ट्रॉन इकट्ठे हो गए, कुछ देर के बाद कुछ ज्यादा इकट्ठे हो गए और यहां कुछ ज्यादा ही डेफिशिएंसी और कुछ ज्यादा ही इलेक्ट्रॉन इकट्ठे हुए और एक बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो गया, ऐसे पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ. ये देखो इस इलेक्ट्रिक फील्ड का नाम है इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि ये बैटरी से पैदा नहीं हुआ, ये मोशनल ईएमएफ से पैदा हुआ है, चेंज ऑफ फ्लक्स से पैदा हुआ है. तो ये इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड अपने आप पैदा हो गया और ये तब तक रहेगा जब तक तुम रॉड को मूव करवाते रहोगे. और शुरू में ये इलेक्ट्रिक फील्ड कमजोर था क्योंकि ये चार्जेस कमजोर थे. बाद में क्या हुआ, बहुत इलेक्ट्रॉन इकट्ठे हो गए, माइनस प्लस बहुत स्ट्रांग हो गया, स्ट्रांग इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो गया. तुमने कहा ठीक है मान लिया, उससे क्या हुआ, उससे कहानी स्टार्ट हुई. कहानी ऐसे स्टार्ट हुई, फेराडे ने सोचा यार ये तो कमाल हो गई, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है. अब अगर कोई इलेक्ट्रॉन, क्योंकि तुम रॉड को राइट मूव करवा रहे हो तो इलेक्ट्रॉन को नीचे फोर्स मिल रही है, एफ इक्वल टू कितनी, बी क्यू वी नीचे मिल रही है, और मैग्नेटिक फोर्स चाहती है कि इलेक्ट्रॉन नीचे जाए. पर इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत स्ट्रॉन्ग डेवलप हो गया, यहां इतना पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया कि उसने इलेक्ट्रॉन को ऑपोजिट फोर्स लगानी शुरू कर दी, चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहां लगेगी, डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट लगनी स्टार्ट हो गई. यानी कि बेचारा इलेक्ट्रॉन तो फंस ही गया. कैसे फंस गया, इलेक्ट्रॉन फंस चुका है दो फोर्सेस के बीच में. मैग्नेटिक फोर्स बी क्यू भी चाहती है ये नीचे आए,
और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स चाहती है अब ये नीचे ना जाए। तो आप कहोगे शुरू शुरू में तो नीचे आ रहे थे, बिल्कुल शुरू शुरू में इलेक्ट्रिक फील्ड कमज़ोर था, चार्जेज इकट्ठे हो नहीं पाए थे, मैग्नेटिक फील्ड बहुत स्ट्रांग था, इलेक्ट्रिक कमज़ोर था, तो इलेक्ट्रॉन नीचे जाता गया और इकट्ठे होते गए। थोड़ी देर के बाद ये काफ़ी स्ट्रांग हो गया और कुछ टाइम ऐसा आया जब ये और ये फोर्स बराबर हो गई। तो यानी कि जितने इलेक्ट्रॉन नीचे इकट्ठे होने थे वो तो हो लिए। अब अगर तुम रॉड को अभी भी मूव करवाओ तो ये दो फोर्सेस ऐसे एक्ट करती हैं ताकि ये इलेक्ट्रॉन को जाने से रोकती हैं। अब कोई और इलेक्ट्रॉन इकट्ठा नहीं हो पाएगा, जो जहां पर है वहीं का वहीं रहेगा। शुरू शुरू में जो मोशन थी वो हो गई, बाद में ये इक्विलिब्रियम कंडीशन आ गई। अब तुम रॉड को मूव करवाते कोई टेंशन नहीं है, इलेक्ट्रॉन की मोशन खत्म हो गई। सही है, शुरू शुरू में इसका मतलब क्या हुआ, जब तुमने रॉड को मूव करवाया था तो ठीक ठाक मैग्नेटिक फोर्स थी, ये कमज़ोर था, इलेक्ट्रॉन नीचे मूव किया था, और जब इलेक्ट्रॉन नीचे मूव किया था तो रॉड में करंट भी पैदा हुआ था। उस करंट को क्या बोलते हैं, इंड्यूस्ड करंट। और इलेक्ट्रॉन की मोशन क्योंकि नीचे थी, इंड्यूस करंट की डायरेक्शन कहाँ पर थी, ऊपर थी। देख रहे हो इंड्यूस करंट ऊपर क्यों है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कहाँ भाग रहा था शुरू में, नीचे, तो करंट कहाँ पैदा हो रहा है, ऊपर। कोई डाउट इसमें? और याद करो लास्ट लेक्चर मैंने नोट लिखवाया था, इंड्यूस करंट की डायरेक्शन इज ऑलवेज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। यही तो फैराडे ने बताया था और वही मैंने आपको बताया था कि क्यों ऐसा होता है, इस एक्सपेरिमेंट से पता लगता है। सही है, पर हुआ क्या, शुरू शुरू में तो करंट दौड़ गया, बाद में तो इलेक्ट्रॉन की मोशन ही बंद हो गई क्योंकि दोनों फोर्सेज बराबर हो गई, बाद में करंट जीरो हो गया, इंड्यूस करंट जीरो हो गया थोड़ी देर के बाद। तो मेरा क्वेश्चन ये है, इंड्यूस करंट जीरो हो गया, क्या पोटेंशियल डिफरेंस भी जीरो हो गया? इलेक्ट्रॉन ने मूव करना बंद कर दिया, मैं रॉड को मूव करवाए जा रहा हूं, तो क्या यहां पर प्लस माइनस भी खत्म हो गए? नहीं, क्योंकि इक्विलिब्रियम हो चुका है, जितना नेगेटिव नीचे जाना था जा चुका, जितना पॉजिटिव होना था हो चुका। और ये इसलिए हुआ क्योंकि शुरू में इलेक्ट्रॉन नीचे भाग चुके हैं, तुम रॉड को मूव करवाए जा रहे हो, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन नहीं भागेंगे, जो भाग चुके वो तो भाग ही चुके, यानी कि यहां पर ईएमएफ तो डेवलप हो चुकी है, ईएमएफ जीरो नहीं होगी लेकिन करंट इंड्यूस्ड जीरो हो जाएगा। समझ में आ रहे हैं यहां तक, करंट तो अब पैदा होना बंद हो गया पर पोटेंशियल डिफरेंस अभी भी मेंटेन्ड है। अब याद करो फैराडे ने अपने लॉ में क्या कहा था, क्या कहा था कि जब जब किसी भी कंडक्टर का फ्लक्स चेंज होगा उसमें क्या पैदा होगी, इंड्यूस्ड ईएमएफ बोला था। उसने बिल्कुल डेफिनेशन में नहीं कहा कि इंड्यूस्ड करंट पैदा होगा, उसने कहा इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होगी, क्योंकि उसको पता था कि करंट गायब भी हो सकता है इक्विलिब्रियम में पर ईएमएफ गायब नहीं होगी, तो पोटेंशियल डिफरेंस अभी भी मेंटेन्ड है। समझ में आ रहा है, इसलिए डेफिनेशन में क्या कहा था कि जब फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगी, करंट इंड्यूस होगा वर्ड नहीं यूज किया। तो बहुत सारे आंसर मिल रहे हैं इसमें से, टॉपिक आए ना आए लेकिन पॉइंट समझ में आ रहा है कि अंदर में हुआ क्या, मतलब फैराडे क्या सोचता था और कैसे उसने एक्सपेरिमेंट कर करके चीज़ों को क्लियर किया। ठीक है, तो अब हुआ क्या, अब ये हुआ कि कुछ देर के बाद करंट तो गायब हो गया, कुछ देर के बाद इक्विलिब्रियम कंडीशन आ गई, और वो कब आई, जब ये और ये फोर्सेस बराबर हो गई, तो तुमने इन दोनों फोर्सेस को बराबर कर दिया, इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉन से चार्ज खत्म हो गया, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई। तो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया, डी इंटू वी। अब तुम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूज करो, इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर आप मुझे ये बताओ पी वाला पोटेंशियल हाई होगा कि क्यू वाला, इस डायग्राम को देखते हुए पी हायर पोटेंशियल पे है कि क्यू, या प्लस हायर पोटेंशियल पे है कि माइनस, माइनस माइनस, जिंदगी में कभी हाई पोटेंशियल हो नहीं सकता। पॉजिटिव की क्या मुकाबले, मेरे अकाउंट में 1,00,000 रुपए पॉजिटिव है, तुम्हारे अकाउंट में 1,00,000 रुपए नेगेटिव है, तो यार मेरे पास ही ज्यादा होंगे ना यार, तो मैं हायर पे होऊंगा तुम लोअर होगे, प्लस कभी भी हायर हो ही नहीं सकता माइनस से। ये तो नंबर लाइन भी यही कहती है, नंबर लाइन बनाते हो तो प्लस बड़ा है माइनस छोटा है, तो कभी नहीं बोलना आज के बाद नेगेटिव हायर है, पॉजिटिव ही हायर है। पॉजिटिव पोटेंशियल हायर होता है और नेगेटिव हमेशा लोअर होता है, तो ये हायर है और ये लोअर, तो इसलिए पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, वीपी माइनस वी क्यू। हाँ, इंड्यूस करंट उल्टा होता है, बात अलग है, तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिक रूल मत लगाना है, इसमें गड़बड़ हो जाएगी नहीं तो। तो Vp माइनस Vq क्लियर है, तो इसलिए पोटेंशियल डिफरेंस मैंने क्या निकाला, Vp माइनस Vq, और इसको मैंने क्या नाम दिया, इंड्यूस्ड ईएमएफ अक्रॉस P एंड Q।
तो इंड्यूस्ड ईएमएफ का मतलब है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पी एंड क्यू। फिर आप याद करो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ई इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर, तो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड इज माइनस डी वी का मतलब, ये रूल कैसे लगाते थे याद है इलेक्ट्रोस्टैटिक, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे है और आप मान लो पी से क्यू जा रहे हो तो आप क्या लगाते हो, आप जब फॉर्मूला लगाते थे ई इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर, तो आप ऐसे लगाते थे, ये देखो डी वी का मतलब है फाइनल माइनस इनिशियल पोटेंशियल, क्योंकि आप पी से क्यू पे जा रहे हो, पी से क्यू पे क्यू बन जाएगा फाइनल और पी बन जाएगा इनिशियल डिवाइडेड बाय लेंथ, इनके बीच में मान लो कितनी है राइट तो आपने इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर लगाया ये रहा, और यहां से माइनस साइन अंदर गया तो वी पी माइनस वी क्यू की वैल्यू क्या आई, ई आई इंटू एल, ई आई की वैल्यू बी इंटू वी यहां पुट की, मल्टीप्लाई किया और आंसर क्या आ गया बी एल बी। ये प्रूफ नहीं आएगा पेपर में, नहीं आएगा, ये सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए है कि फेराडे ने कैसे अपने आंसर्स को ढूंढा। हाँ बहुत ऑब्जेक्टिव के अंदर आना होगा तो आ जाएगा, वो मैं बोल नहीं सकता, कोई ऑब्जेक्टिव कंपटीशन में आ जाए मैं कह नहीं सकता, लेकिन एनसीईआरटी लेवल तो नहीं आएगा, पर आपको ये आइडिया समझ में आ रहा है कि हुआ क्या इसमें। तो इसके अंदर ये हुआ कि अगर आज के बाद, ये प्रूफ नहीं आएगा, एक शॉर्टकट याद रखना है, आज के बाद अगर कोई एक रॉड को वी वेलोसिटी से खींचे इन अ परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड, तो पी और क्यू में ईएमएफ कितनी डेवलप हो जाएगी, सीधा शॉर्टकट फॉर्मूला बी एल वी, बी एल वी, और इंड्यूस करंट हमेशा कहां से कहां होगा, नेगेटिव से पॉजिटिव होगा। ये फेराडे ने निकाला, लेकिन उसने ये कहा कि एक स्टूडेंट के लिए ये बहुत मुश्किल है सोचना, मतलब कहां एक स्टूडेंट यार इलेक्ट्रॉन ले लेके स्टडी करता रहेगा चीजों को, ये तो बहुत मुश्किल है। तो उसने कहा कि ऐसे मत करो, मैं तुम्हें इसका एक शॉर्टकट देता हूं। तो अब वो शॉर्टकट देने जा रहा है, वो कहता है कि पहला टॉपिक ना पेपर में आएगा ना आपसे कोई पूछने वाला है, तो फिर ये आएगा, तुम बस मेरा नाम लो और शॉर्टकट मारो, एक सेकंड में आंसर आएगा, ये बताता हूँ क्या आएगा, मार्क करवाऊंगा जो आएगा, ठीक आएगा आएगा, आज के लेक्चर में नंबर बटेंगे, कोई टेंशन नहीं, सबके हाथ छः छः नंबर आएंगे, चिंता मत करो, तीन तो आ भी गए, दो तो आ भी गए, वो जो हमने न्यूमेरिकल किए फेराडे लॉ के ऊपर, एक दो नंबर का तो आएगा ही, और दो नंबर बता देता हूँ क्या आएगा, अब सब सीखो अभी, यहां तक क्लियर है। तो फेराडे ने क्या शॉर्टकट दिया इसको समझते हैं।